ये कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी, यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं? सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकर नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उससे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते। लोग कुएं, बाबरी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बतोही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्त रेखा में निपुण है और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के एकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना, फिर कहना, ये प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की दो बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी शादी की गांठ में बंधे रखना, तो यूं ही अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदे पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गाँव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो बुरा हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया, लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, ये सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी, फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ हाँ, वह फिर ऐसे हंसी, ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वही पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह ये सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी, किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो, तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गाँव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भोंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात जाने क्या कयामत आएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़कों